सिवान शहर से 7 नवंबर 2021 को गायब टाउन थाना इलाके की रामनगर का रहने वाला विशाल सिंह, अंशु सिंह और परमेंद्र यादव अपहरण कांड का सिवान एसपी शैलेश कुमार सिन्हा ने खुलासा कर दिया है। एसपी ने बताया कि अपहरण करने के बाद तीनों युवकों की हत्या कर दी गई और साक्ष्य छुपाने के लिए उनके शव को दाब से टुकड़ा टुकड़ा कर सरयू नदी में फेंक दिया गया। पुलिस ने बताया कि अयूब खान के इशारे पर शहर के शुक्ला टोली का रहने वाला संदीप कुमार, विशाल सिंह और अंशु सिंह को लेकर बढ़हरिया थाना इलाके के बीबी का बंगरा गांव पहुंचा। उसके साथ ड्राइवर परमेंद्र यादव भी था। बीबी के बगरा गांव में धोखे से तीनों लड़के विशाल सिंह, अंशु और ड्राइवर परमेंद्र को चाय में नशीला पदार्थ देकर बेहोश कर दिया। इसके बाद गमछा से गला घोट कर हत्या कर दी। बाद में सबूत को छुपाने के लिए तीनों के शवों को टुकड़े टुकड़े कर सरयू नदी में फेंक दिया गया। पुलिस ने हत्या में शामिल दाब और शव को ले जाने वाली टाटा सफारी और बुलेरो कार को बरामद किया है। 7 नवंबर को घर से निकले विशाल और अंशु की काली स्कॉर्पियो गाड़ी 8 नवंबर को गोपालगंज जिले के सबैया फील्ड के पास लावारिस हालत में मिली थी। इसकी सूचना पुलिस ने विशाल सिंह के घर के लोगों को दी, जिसके बाद विशाल की माँ सुनीता सिंह के लिखित आवेदन पर टाउन थाना में एफआईआर दर्ज की गई। इसके बाद जांच के दौरान पुलिस ने सबसे पहले संदीप कुमार को गिरफ्तार किया, जिसने पुलिस को सारी कहानी बताई। इसके बाद एसटीएफ की मदद से पूर्णिया से अयूब खान को गिरफ्तार किया गया, जिसके बाद सिवान एसपी ने अयूब से रात भर पूछताछ की। उसके बाद एसपी ने देर शाम प्रेस रिलीज जारी कर सबसे बड़ा खुलासा किया। फिलहाल अयूब खान को सिवान कोर्ट में पेश किया गया है। कोर्ट ने अयूब खान को 14 दिन के न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है।